हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हरप्रीत सिंह, और अगर आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को पहली बार, तो मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल के ऊपर हम करते हैं गिटार कवर एंड गिटार लेसन, वो भी सिंपल, इजी एंड क्विक। तो दोस्तों, अगर आप हैं गिटार लवर तो ये चैनल है बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं 300 से ज़्यादा गिटार लेसन। येस, यू हैड इट राइट। हिंदी, पंजाबी, नए पुराने, एवरीथिंग, आपको हर तरह के गिटार लेसन्स इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर चेक करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं हम आज के गाने की। दोस्तों, आज हम गाना गाने जा रहे हैं, गाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, रीज़न भी बताता हूँ आपको। गाने का नाम है जो भी मैं। मेमोरेबल क्यों है अब ये बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, रॉकस्टार मूवी रिलीज़ हुई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर इन 2011। आई थिंक 11 नवंबर को रिलीज़ हुई थी, एंड मैंने गिटार को बाय किया था उस समय इन मार्च 2011, आज से तकरीबन 10 साल पहले। तो नया नया गिटार था उस समय, इतना यूट्यूब नहीं था, इतने गिटार लेसन्स नहीं थे, नया नया गिटार था। एंड उसके बाद सडनली ये एल्बम आई एंड ये मूवी आई, अलग ही क्रेज़ था भाई। जितने बंदे गिटार वाले थे सब में इन गानों को प्ले करने का, उस समय इतना मीडियम नहीं था कि इनको सीख सकें कहीं पे, तो तब से लेके चाहत थी, फिर धीरे धीरे सीखते गए, चलो ग्रो हुए, वो बात अलग है। लेकिन ये गाने की मेमोरीज़ है, तब से इसको बजाना चाहते थे कि यार कैसे प्ले होगा। पता चला कि भाई ई माइनर पे प्ले होता है, तो प्ले करने लगे, लेकिन एग्जैक्ट साउंड्स नहीं समझ में आ रही थी उस समय। तो चलिए आज इस लेसन में देखते हैं इस गाने का कंप्लीट ब्रेकडाउन। इस लेसन में हम देखेंगे इस गाने के गिटार कॉर्ड, इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड इसका स्ट्रमिंग पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं इस गाने के गिटार कॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों, इस गाने में टोटल 6 गिटार कॉर्ड यूज़ हुई हैं एंड ई माइनर कॉर्ड की तो पूरी फैमिली है इसमें। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहला हमारा जो गिटार कॉर्ड है वो है ई माइनर। हमारा दूसरा गिटार कॉर्ड है ई माइनर 6। हमारा तीसरा गिटार कॉर्ड है ई माइनर 7। हमारा चौथा गिटार कॉर्ड है जी कॉर्ड। हमारा पांचवा गिटार कॉर्ड है डी मेजर एंड हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट गिटार कॉर्ड है ए माइनर। तो दोस्तों, अगर आपको ये 6 गिटार कॉर्ड्स को प्ले करना आता है तो आप इस गाने को बहुत इजीली एंड बहुत ही बेस्ट वे में प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न की। इस गाने का स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। वो कैसे है देखते हैं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। दोस्तों, इस स्ट्रमिंग पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। आप जब गाने को ध्यान से सुनेंगे तो यही वाला पैटर्न उसमें बज रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं कैसे। सबसे पहले हम लेंगे एक डाउन स्ट्रोक, डाउन, हल्का सा पॉज, फिर से अगेन डाउन, हल्का सा पॉज। अब हम लेंगे 5 स्ट्रोक, अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। अब हल्का सा पॉज फिर से। अब हम लेंगे 4 स्ट्रोक्स, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो ये जितना पैटर्न मैंने बताया इसको थोड़ा सा फ्लो में बहाएंगे, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा स्पीड में बहाएंगे, तब ये वाला हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसे निकल के आएगा। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो आई होप दोस्तों आपको स्ट्रमिंग पैटर्न एंड कॉर्ड समझ में आए होंगे। तो चलिए प्ले करते हैं इस गाने को। बर्बाद करे अल्फाज मेरे अल्फाज मेरे ओ या या ओ या या ओ या या चक 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 कभी मुझे लगे कि जैसे
सारा ये जहां है जादू जो है भी और नहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहारे मुझे करे इशारे कैसे कहूँ कहानी मैं इनकी जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।